Hey everyone, once again welcome back to my channel. You are with शिवांगी रंजना. कैसे हो guys? I hope आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग and बहुत अच्छा कर रहे होंगे. And guys, आज का डेट मैं आपको बता देती हूँ. आज 1 अगस्त है and अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है. अप्रोक्सीमेटली 6:30 इवनिंग टाइम है, 6:30 PM हो रहा है. एंड मैं अभी थोड़ा बाहर जा रही हूँ, यूं ही थोड़ा बहुत वॉक कर लेने एंड थोड़ी बहुत कुछ खा लूंगी बाहर. एंड आपके साथ कुछ और भी शेयर करने वाली हूँ जो कि आजकल हॉट न्यूज में आप देख रहे हो, हॉट टॉपिक बना हुआ है बिल्कुल ही. एंड हाँ, बहुत सारा आपने देखा कि जहां पर IAS वगैरह की कोचिंग है, यहाँ पर मुखर्जी नगर में एंड ओल्ड राजेंद्र नगर में, वहां पे लाइब्रेरी में जो लड़कियां एंड लड़के की जो डेथ हो गई है बारिश होने की वजह से, अंडरग्राउंड में पानी भर जाने की वजह से, जो कि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं था इस वजह से, ये तो आपने बहुत अच्छे से न्यूज में देखा ही होगा. एंड जहां पर मैं हूं, इधर रहते हैं डॉक्टर्स, MBBS के बाद जो रहते आके करते हैं PG की प्रिपरेशन वो रहते हैं, एंड जो फॉरेन से पढ़ाई करके आते हैं वो यहाँ पे रहते हैं. कि PG पेपर भी है 11 अगस्त को एंड लाइब्रेरी सारी बंद हो गई है. डॉक्टर्स की भी लाइब्रेरी बंद कर दी गई है क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर लाइब्रेरी बेसमेंट में ही होता है. एंड जहां तक मैंने वो IAS वाले का लाइब्रेरी देखा, वो बहुत ज्यादा ही कंजेस्टेड था, बहुत कम एरिया में. ऐसा इधर वैसा सीन नहीं है, बट यस, लाइब्रेरी अंडरग्राउंड ही है यहाँ पर भी. तो सरकार की वजह से सब कुछ चेकिंग वगैरह हो रहा है, तो सबने अपनी लाइब्रेरी देखो. मेरे को स्वेटिंग हो रहा है क्योंकि मैं अभी बाहर निकलने वाली थी, तो AC फैन सब ऑफ कर दी हूं कि ब्लॉग शूट करके बाहर निकलूंगी, इसलिए बहुत जल्दी. मेरे को गर्मी बहुत लगती है गाइस, गर्मी टॉलरेट नहीं होता, ठंडा तो मैं कितने में भी रह लूं. तो हाँ, यहाँ पर भी बहुत सारी लाइब्रेरी बंद कर दी गई है. मैक्सिमम ऐसा ही एक दो होगा जिसका थोड़ा मतलब बेसमेंट से ऊपर है, वो खुली हुई है, तो मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी. चलो बाहर यहाँ का. यहाँ पर भी एक लाइब्रेरी थी डॉक्टर्स की, ये मेरे सामने आप देख रहे हो, ये भी बंद कर दी गई है, अभी क्लोज है एंड मेरे घर के पास में ही है. चलो आगे देखते हैं, बहुत सारा लाइब्रेरी बंद है. सो गाइज, मैं हूँ बाहर में, आप देख ही रहे हो एंड मैंने आपके साथ जैसे शेयर करा, सब लोग अपना अपना बोर्ड भी निकाल दिए हैं, मतलब जो भी लाइब्रेरी बंद किए हैं वो बोर्ड निकाल दिए हैं. वैसे यहाँ का लाइब्रेरी उधर जैसा नहीं है जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बट स्टिल अंडरग्राउंड होने की वजह से मे बी जो डॉक्यूमेंट होता होगा प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, तभी ये लोग बंद किए होंगे जो भी बंद किए हैं. एक और मेरे सामने लाइब्रेरी था, चलो मैं देखती हूँ ओपन है या बंद. एक लाइब्रेरी थी जो कि बोर्ड मुझे अभी नहीं दिख रहा है, निकाल दिया है, दैट मीन्स कि लाइब्रेरी अभी बंद किया गया हुआ है फिलहाल. चलो आगे देखते हैं. सो गाइस, मंदिर के बगल से मैं क्रॉस कर रही थी तो देखा, तो मैंने एक क्लिप ऐड कर लिया आपके लिए. एक्चुअली गाइज, अभी डॉक्टर्स का एग्ज़ाम होने वाला है जो MBBS कर चुके हैं, स्पेशलाइजेशन का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि PG सीट मिलती है उस बेसिस पर. सो, उसका अभी एग्ज़ाम होने वाला है एंड लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया है. अभी 10 दिनों में ही एग्ज़ाम होना है एंड बंद है, तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस वजह से सभी डॉक्टर्स को जिनको PG का पेपर अभी देना है. तो ये सब केस की वजह से बंद किया गया है, बट सेफ्टी पर्पस को देखते हुए ही बंद किया गया होगा. एंड अभी आपके साथ और भी शेयर करती हूँ, मे बी कोई खुला हुआ दिखे तो आपके साथ शेयर करूँगी. ऐसा रेयर ही, बहुत कम, मुझे लगता है 10% ही ऐसा होगा कि भी खुला हुआ. मोस्ट ऑफ़ द लाइब्रेरी आई थिंक लगता है 10 डेज के लिए क्लोज कर दिया गया है. उनको जो भी कुछ सुधारना होगा या जो सही करना होगा वो पहले सही करेंगे, उसके बाद फिर ओपन करेंगे. तो अभी चलो आगे चलती हूँ मैं. एक तो ये लाइब्रेरी है जो कि ये तो मेरा ही पुराना वाला लाइब्रेरी था, अभी मैंने इसको छोड़ दिया है, मैंने दूसरा लाइब्रेरी ज्वाइन करना था इसी वजह से, तो इसको भी छोड़ दिया. बट ये बहुत सही लाइब्रेरी है, बट स्टिल यहाँ का बोर्ड हटा दिया गया है. मैं यहाँ का एड्रेस वगैरह ऐसा कुछ रिवील नहीं करूँगी बिकॉज सबका अपना पर्सनल चीज़ है. सो आगे चलो मैं शेयर करती हूँ. एक्चुअली गाइज, मेरे लाइब्रेरी के कुछ लोग बाहर थे तो उनसे बात हुई कि मतलब ये तो लाइब्रेरी सही था, क्यों बंद कर दिया गया, इतनी आवाज़ आ रही है रोड पर. तो उन्होंने बोला कि 10 डेज के लिए बस बंद करा है, फिर से खुल जाएगी, कुछ होगा, मैंने जैसे कि पहले भी आपको बताया. बट स्टिल गाइज, अभी बंद है. मैक्सिमम लाइब्रेरी दो ही ओपन है, उसमें सीट अवेलेबल नहीं है. सो बात ये है एंड अभी सब खुलेगी 10 दिनों में, फिर दोबारा खुल जाए. क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद ना आपको हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ना है, कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ना है, फर्दर एग्ज़ाम के लिए पढ़ना हो या किसी भी चीज़ के लिए. तो यही सब है, मैं यहाँ का व्यू शेयर की हूँ जो दिल्ली में है, गौतम नगर में, जो कि साउथ दिल्ली में पड़ता है. यहाँ पे डॉक्टर्स ही सिर्फ रहते हैं, सारे MBBS वाले एंड PG वाले रहते हैं. सो गाइज, अभी मैं थोड़ा बहुत खा भी ली हूँ बाहर से एंड टी वगैरह भी इसमें पैक करा लिया है एंड अभी अब चलती हूँ घर पे. सो फ्रेंड्स, यहाँ का मैंने आपको सब कुछ शेयर कर दिया एंड आपने देख भी लिया. होपफुली आपको भी समझ आ गया होगा कि इधर का भी कुछ वैसा ही सीन है. एंड अभी मैं चलती हूँ अपने फ्लैट में एंड कुछ मैं रोड पे खड़ी होकर ब्लॉग एंड कर रही हूँ ना, तो कुछ लोग जा रहे, सोच रहे ये क्या कर रही है, इसलिए कोई कोई लोग आगे जा रहे, पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं मुझे. सो थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड गाइज, मैं चलती हूँ, बहुत गर्मी लग रही है मुझे, बगल में ही मेरा फ्लैट है, चलती हूँ वहाँ पर. बाय बाय.